आज के विषय में हम पढ़ेंगे भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राजनीतिक कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की गणना की जाती है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक अध्यक्ष है। वह नाममात्र की कार्यपालिका है जिसकी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद करता है। भारतीय संविधान ने भारत में संसदीय सरकार की स्थापना की है। भारत में संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति आते हैं। इनके अतिरिक्त प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होती है। राष्ट्रपति भारतीय गणतंत्र का प्रतीक है। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति संघ का शासन चलाने वाला प्रधान व्यक्ति है। संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और वही इस शक्ति का स्रोत है। अनुच्छेद 74 और 75 की संवैधानिक व्यवस्थाएं भी यही प्रस्थापित करती हैं कि राष्ट्रपति व्यवहार में संवैधानिक अध्यक्ष है, वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में ही निहित है। अनुच्छेद 74 यह स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सहायता और मंत्रणा से करेगा। वही अनुच्छेद 75 यह व्यवस्था करता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। राष्ट्रपति एक संवैधानिक अध्यक्ष है जिसका निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल के द्वारा किए जाने की व्यवस्था है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन इस निर्वाचक मंडल के द्वारा परोक्ष रीति से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया जाता है। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है, परंतु वह निम्न परिस्थितियों में पद से त्याग पत्र दे सकता है या उसे त्याग पत्र लिया जा सकता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। उसे महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने पर अपने पद को त्याग सकता है। राष्ट्रपति के महाभियोग लगाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है, जिसके अनुसार संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर जब महाभियोग चलाना होता है तब संसद का कोई सदन दोषारोपण करता है। महाभियोग संबंधी प्रस्ताव उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से शुरू होता है, प्रारंभ होता है और प्रस्ताव का लिखित नोटिस कम से कम 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को मिलना चाहिए। यदि यह प्रस्ताव सदन के कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित हो जाए तो इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया गया है। जब संसद के किसी सदन द्वारा महाभियोग लगाया जा चुका है तब दूसरा सदन उस महाभियोग का अनुसंधान करेगा या कराएगा और उपस्थित होने और अनुसंधान में उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा। यदि राष्ट्रपति का दोषारोपण सिद्ध हो जाए तो अनुसंधान करने वाला सदन भी अपने कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से महाभियोग के प्रस्ताव को स्वीकार कर ले तो यह प्रस्ताव प्रभावित होगा और उसकी पारित होने की तिथि से राष्ट्रपति का पद पदच्युत माना जाएगा। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति को निम्न अग्रलिखित विशेष अधिकार देता है। पहला, राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए अपने द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। राष्ट्रपति के खिलाफ उसकी पदावधि में किसी भी प्रकार की दंड कार्रवाई नहीं की जाएगी। राष्ट्रपति की पदावधि में उसे बंदी या कारावासी बनाने के लिए कोई न्यायालय कोई आदेश नहीं निकालेगा। राष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण करने से पूर्व या उसके पश्चात व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के खिलाफ रिलीफ का दावा करने वाला कोई भी कार्यकाल तब तक संस्थित नहीं किया जाएगा जब तक इसकी सूचना राष्ट्रपति को लिखित रूप में ना दे दे। राष्ट्रपति को निःशुल्क आवास, वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं। उसका वेतन वर्तमान में 1,00,000 रुपया महीना है।
इसके अतिरिक्त सब प्रकार की सुविधाएं भी उसको दी जाती हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों को हम चार शीर्षकों में विभाजित कर सकते हैं। कार्यपालिका संबंधी शक्ति, विधायी संबंधी शक्ति, वित्तीय शक्ति और संकटकालीन शक्ति। कार्यपालिका संबंधी शक्ति में संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करता है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के अंतर्गत प्रशासकीय, राजनैतिक, सैनिक, न्यायिक, अर्धन्यायिक प्रकार की शक्तियाँ शामिल हैं। जिन अधिकारियों की राष्ट्र नियुक्तियाँ राष्ट्रपति के द्वारा होती हैं, उनमें से ये प्रमुख हैं: प्रधानमंत्री और संघीय मंत्री, महाधिवक्ता, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, अनुसूचित जाति वर्गों के विशेष अधिकारी आदि। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति विभिन्न आयोगों को भी नियुक्त करता है, जैसे वित्त आयोग, योजना आयोग, निर्वाचन आयोग आदि। वह अपने मंत्रियों, राज्यपालों, महाधिवक्ता, सैनिक अधिकारियों को पद से हटाने का अधिकार है। वह प्रतिरक्षी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। दूसरा है विधायी शक्तियाँ। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है, जिसके अंतर्गत संघ की विधायी शक्तियों को राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में निहित माना गया है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है और वह जब हस्ताक्षर होने के बाद ही कानून का रूप ले सकता है। कुछ विशेष प्रकार के विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व आज्ञा के बिना संसद में प्रस्तावित ही नहीं किए जा सकते, जैसे वित्त विधेयक, किसी राज्य की सीमा अथवा नाम परिवर्तन संबंधी विधेयक, व्यापार पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित विधेयक। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, किंतु ऐसे प्रत्येक अध्यादेश को संसद के सत्र के प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर ही संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है, और ऐसा ना करने पर अथवा संसद के द्वारा उसे 6 सप्ताह की अवधि के भीतर स्वीकार ना करने पर वह अध्यादेश अवैध हो जाता है। राष्ट्रपति अपने अध्यादेश को इच्छानुसार कभी भी वापस ले सकता है। फिर है वित्तीय शक्तियाँ। संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को कई महत्वपूर्ण वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। वह आकस्मिक निधि पर अपना नियंत्रण रखता है। राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ही वित्त विधेयक संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। आकस्मिक निधि में से वह किसी भी ऐसे व्यय के लिए धनराशि निकालने का अधिकार उसके पास है, जिसके संबंध में संसद से कोई पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई हो। वह समय समय पर वित्त आयोग की नियुक्ति करता है, जिसकी सिफारिशों के आधार पर राज्यों को प्राप्त होने वाली आय, केंद्र को प्राप्त होने वाली आय और आयकर का राज्यों में विभाजन किया जा सके।